हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। आज हम एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा करने आए हैं। दरअसल आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इस अखबार की आप खबर को देखिए, जिसके बाद जो युवाओं का सिरदर्द है वो बढ़ गया है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार एक नया नियम लाने वाली है जिसकी चर्चा जोरों पर है और इस अखबार ने इस चीज़ को दिखाया है और बताया है। इस अखबार में साफ तौर पे कहा गया है कि अब सरकार 5 वर्ष के लिए सरकारी नौकरी में भी संविदा कर्मी रखेगी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का चयन होता है सरकारी नौकरी के लिए तो वो 5 वर्ष तक संविदा कर्मी रहेगा। उससे भी बड़ी बात यह है, जब वो संविदा कर्मी रहेगा वो उस दौरान भी उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसका जो उच्च अधिकारी होगा या विभाग का जो अध्यक्ष होगा वो उस व्यक्ति का मूल्यांकन करेगा। हर छमाही में ये मूल्यांकन होगा, 5 साल में 10 बार उसका मूल्यांकन होगा और उसके बाद ही 5 वर्ष बाद उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस मूल्यांकन में उसको 60% मार्क्स लाने होंगे। अगर वो व्यक्ति फेल होता है और उसका उच्च अधिकारी उसको फेल कर देता है मूल्यांकन के आधार पर तो उसकी जो सेवा है वो वहीं समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसका जो सरकारी नौकरी का सपना है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आज का युवा लगातार कोशिश कर रहा है और हर वो युवा कोशिश करता है सरकारी नौकरी पाने की, क्योंकि हर कोई चाहता है, जितने भी युवा हैं उनकी इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरी करें और अपने परिवार का लालन पालन करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ये खबर सही है तो कहीं ना कहीं ये आपका सिरदर्द बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब आपको जो सरकारी नौकरी मिलेगी वो सीधे नहीं मिलेगी, आपको 5 वर्ष तक एक संविदा कर्मी बन के रहना पड़ेगा। जिस पद के लिए आपने फॉर्म भरा होगा उसके आगे आपको सहायक लिखा हुआ होगा और तब आप संविदा कर्मी की 5 वर्ष तक ये नौकरी करेंगे। उसमें भी कंफर्म नहीं है कि आप 5 वर्ष अगर करते हैं तो उसके बाद आपको सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी सेवा वहीं पर समाप्त हो जाएगी और आपको वापस भेज दिया जाएगा। और इस 5 वर्ष में जो संविदा कर्मी रहोगे आप, उस 5 वर्ष में जो भत्ते होते हैं, बताया जा रहा है कि वो भत्ते भी आपको नहीं मिलेंगे जो एक सरकारी व्यक्ति को मिलते हैं। अब आप ये खबर देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर सरकार ये कैसा फैसला ले रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो सरकारी नौकरी की चाह रख रहे हैं, लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं और वहां से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और इस नियम को एक बार हम और बता दें, ये समूह खे और गे के लिए है, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है। इस नियम से ग्रुप ए और ग्रुप डी को बाहर रखा गया है, यानी अगर आप तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं और सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं ग्रुप खे और ग्रुप गे के लिए और आपका चयन हो जाता है, मिठाई बांटने की ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्तों को एक साथ पार्टी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका चयन हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई। क्योंकि इस अखबार की खबर के अनुसार अगर आपका चयन भी होता है उसके बाद भी 5 वर्ष तक आप केवल संविदाकर्मी रहेंगे। हालांकि अभी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अखबार में चर्चा की गई है और बताया गया है। हालांकि इसमें वेतन के बारे में भी अभी नहीं बताया गया है कि अगर 5 वर्ष तक संविदा कर्मी को रखा जाएगा, यानी उस व्यक्ति को संविदा पर रखा जाएगा, तो उनको क्या सैलरी या क्या भत्ता दिया जाएगा,
इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रदेश का युवा अब इसको लेकर के क्या सोच रहा है और कैसी प्रक्रिया वो देगा, ये इस नियम के पारित होने के बाद ही पता लगेगा। हालांकि अभी चर्चाएं ये हैं कि जो कार्मिक विभाग है वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है और उस रिपोर्ट को वो कैबिनेट को सौंपेगा, जिसके बाद ये नियम लागू होगा। आज जब ये नियम लागू होगा तब इस पर चर्चाएं होंगी और तब पता लगेगा कि आखिर ये नियम कैसा है। 5 वर्ष तक संविदा कर्मी रखना एक ऐसे युवा को जो कि लगातार एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है और सपने बुनता है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ सपनों को तोड़ने जैसा है। हम अगर बात करें बेरोजगारी की तो देश में बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर 1,000 फॉर्म निकलते हैं तो कम से कम 10 लाख युवा उस फॉर्म को भरते हैं। अगर ग्रुप डी का भी फॉर्म निकलता है उसमें भी ऐसे ही फॉर्म भरे जाते हैं और उच्च स्तर की पढ़ाई करने वाले युवा भी उन फॉर्म को भरते हैं। आज से 1.5 साल पहले रेलवे की तरफ से 1,42,000 पदों के लिए फॉर्म निकाले गए थे और उसको 2.5 करोड़ युवाओं ने भरा था। 2.5 करोड़ युवाओं ने, यानी हम बात करें तो 1,42,000 फॉर्म निकले और उनको 2.5 करोड़ युवाओं ने भरा। इसका यानी बेरोजगारी का आलम इसी से आप लगा लीजिए। और उससे भी बड़ा गंभीर विषय तो ये है कि 1.5 से 2 साल गुजरने के बाद भी उन फॉर्म पर कोई गौर ही नहीं दी गई, यानी उनको चयन के लिए बुलाया नहीं गया, एग्जाम की कोई बात ही नहीं हुई। हालांकि अब आकर के जब ये मुद्दा उठाया गया लगातार, अब आकर के रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर ने 15 दिसंबर को एग्जाम की घोषणा की है। 2.5 करोड़ युवाओं का एक साथ एग्जाम देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1,42,000 फॉर्म निकले और 2.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरे, तभी सरकार का सिरदर्द बढ़ गया था कि आखिर किस तरह से 2.5 करोड़ इन लोगों का टेस्ट कराया जाएगा। अब सवाल उठता है कि बेरोजगारी को रोजगारी में आखिर कैसे बदला जाए, क्योंकि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो अराजकता आएगी, क्राइम बढ़ेगा, लूट होंगी, हत्याएं होंगी और देश का माहौल खराब होगा। लेकिन अगर लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा तो देश खुशहाल होगा, देश की तरक्की होगी और देश के जो आर्थिक स्तर है वो भी बढ़ेगा। रोजगारी एक ऐसा विषय है जिसको बढ़ाने की लगातार ज़रूरत है, क्योंकि देश का जो युवा है वो देश की तकदीर तय करता है। अगर युवा खुशहाल होगा, खुश होगा, तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की करेगा। लेकिन बेरोजगारी के चलते देश का युवा भी कहीं ना कहीं चिंतित है। वो भी जब फॉर्म भरता है तो सोचता है कि आखिर उसका एग्ज़ाम कब होगा, कब उसको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और कब उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन अब उससे भी बड़ा विषय आ गया है, अब वो जब उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरेगा उसे कब बुलाया जाएगा, उसे कब नौकरी मिलेगी, अगर उसे नौकरी मिलेगी तो क्या उसे 5 वर्ष तक संविदा पे रहना पड़ेगा, तो क्या कन्फर्म है कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि 5 वर्ष में भी उसका जो उच्च अधिकारी है उसका मूल्यांकन करेगा। अगर मूल्यांकन में वो खरा नहीं उतरता है तो उसको वो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। देश के युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए ये चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। एक तो पहले से ही लगातार बेरोजगार कभी थाली बजा रहे थे और कभी कोई कैंपेन चला रहे थे कि आखिर सरकार उनको नौकरी क्यों नहीं दे रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस नियम, जिसकी बात लगातार हो रही है, उसको लेकर के युवाओं में चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर जो अखबार की वो खबर है वो लगातार शेयर की जा रही है और बताया जा रहा है कि अब सरकारी जो नौकरी हमें मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, यानी कि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे,
टेस्ट देंगे, उसके बाद पास होंगे, पास होने के बाद आपका चयन होगा, वो चयन सरकारी नौकरी के लिए ही होगा, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप 5 वर्ष संविदाकर्मी रहेंगे। और संविदाकर्मी में भी कब पता नहीं, आप कब वहाँ से, अगर आप मूल्यांकन में फेल होते हैं, आपके 60% से मार्क्स, आपका उच्च अधिकारी जो आपको देखेगा, आपको मूल्यांकन करेगा, अगर आपके 60% से मार्क्स कम रहते हैं तो संविदाकर्मी से ही आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप अपने घर वहाँ से ही वापस चले जाओगे, यानी कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी और आपका जो सरकारी नौकरी पाने की इच्छा थी वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा से आप कोशिश करेंगे, फिर आपको 5 वर्ष फिर वही संविदाकर्मी वाली करनी पड़ेगी, अगर आप सफल होते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फिर आप खुशी होकर के मिठाई बांट सकते हैं, दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अब फिलहाल सोच रहे हैं कि आपका कहीं पर चयन होने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार की किसी नौकरी में, समूखे और समूगे में, तो थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी अब डायरेक्ट नहीं मिलेगी। इस अखबार की कटिंग के अनुसार आपको पहले संविदाकर्मी बनना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। हम लगातार आपके हर मुद्दे को उठाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, युवाओं की परेशानी का हो, किसानों की परेशानी का हो, हर मुद्दे को उठाएंगे और हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सवाल पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मुद्दा ऐसा है जिसको हम उठाएं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम यहाँ पर आपका मुद्दा और आपकी बात करेंगे। केवल कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको किस विषय पर बात करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें सरकार का जो ये नियम आने वाला है इसके बारे में भी बताएं कि आपको ये नियम कैसा लग रहा है। और हमारे, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबर को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर हमारी खबरों को शेयर करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम आप Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।